गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे रिमेनिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। लास्ट वीडियो में हम कुछ मेथड कर चुके हैं, अब एक या दो मेथड ही बचा हुआ है, उसको भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट मेथड हैडिंग लगाइए, दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक सो दिस वन इज़ द फिफ्थ नंबर। इसको फिफ्थ नंबर दीजिए या फिर हो सकता है फोर्थ नंबर हो सकता है। तो इसका नाम है बाय द एक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, बाय द एक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। हमने क्या करना, एल्काइल हैलाइड लेके चलना, और एल्काइल हैलाइड क्या होता है, आर एक्स। दिस वन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑन सोडियम एसिटलाइट, ऑन सोडियम एसिटलाइट हम ये लेके चलेंगे। इसको सोडियम एसिटलाइड को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। तो सबसे पहले देखिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर नोट डालना, इस रिएक्शन में नोट डालना कि इन दिस रिएक्शन वी टेक एल्काइन। मजे की बात देखिए, हमने एल्काइन ही बनाना और एल्काइन ही लेके चलेंगे। इसका मतलब हुआ क्या, इन दिस रिएक्शन वी टेक एल्काइन्स मीन्स, इसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग हुआ क्या, बाय दिस रिएक्शन वी प्रिपेयर हायर एल्काइन। इस मेथड से हम हायर एल्काइन बनाते हैं। हायर एल्काइन्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन होती है। देखो इसमें हम एल्काइन ही लेके चलेंगे, एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये देखिए जी हम क्या लेके चले, एल्काइन लेके चले, दिस वन इज़ द एल्काइन्स। अगर मैं इसका प्रॉपर नाम दूँ तो ये नाम है इसका इथाइन्स, इसको क्या बोलते हैं, इथाइन्स। अब हमने क्या किया, इसमें हमने NaNH2 डाल दिया, NaNH2। अब जरा देखिए, जैसे ही हमने इसमें NaNH2 डाला तो दिस वन इज़ द वेरी रिएक्टिव, ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर करेगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ जाएगी बाहर। तो देखिए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस चीज़ को ज़रा चेक कीजिए, CH ट्रिपल बॉन्ड C। अब यहाँ पर क्या जुड़ चुका है तुम्हारा Na, और यहाँ पर NH2 एंड H, तो अमोनिया गैस रिलीज। तो दिस वन इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो जो मेरा ये बन के तैयार हुआ, सी नेगेटिव एंड एन ए पॉजिटिव, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम एसिटलाइट। ये जो हमने हेडिंग लगाया था, सोडियम एसिटलाइट। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होता है इसमें। अब ये जो प्रोडक्ट हुआ, इसको उठाओ यहाँ से, CH ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव एन ए पॉजिटिव। अब इसको ट्रीट कीजिए किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। यह है हमारा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है RX, तो यहाँ पे RX डालिए। अब RX तुम कुछ भी लेके चल सकते हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, R की वैल्यू CH3 पुट कीजिए, CH3Cl, कुछ भी लेके चल सकते हो तुम, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब आगे रिएक्शन देखिए कैसे चलेगी, यहाँ से N जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, X, NX बाहर, और ये R जाके इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जरा देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R। तो ये देखिए जी, ये बन गई हमारी हायर एल्काइन। दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एंड कन्वर्जन में मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये बन गया हमारा हायर एल्काइन्स। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद नेक्स्ट मेथड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड देखिए, सिक्स्थ मेथड। दिस वन इज द सिक्स्थ मेथड। तो सिक्स्थ मेथड दिया हुआ है हमारे पास, बाय द एक्शन ऑफ वाटर। हमने वाटर का एक्शन करना, बाय द एक्शन ऑफ वाटर। वाटर डालोगे किस में डालोगे, कैल्शियम कार्बाइड में। तो दिस वन इज़ द लैबोरेटरी प्रिपरेशन। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कैल्शियम कार्बाइड लेके चलेंगे, CaCO2, CaC2, एंड इसमें डाल देंगे हम वाटर। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एल्काइन बन जाएगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो दिस वन इज़ द नॉर्मल मेथड, एंड साइड प्रोडक्ट निकलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। उसके बाद नाउ द लास्ट मेथड सेवन्थ नंबर। लास्ट मेथड देखिए, सेवन्थ मेथड है हमारे पास सिंथेसिस फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन,
फ्रॉम सिंथेसिस फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, एक तो कार्बन लेके चलेंगे एंड एक क्या लेके चलोगे तुम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें देखिए, इसमें हमने कार्बन ली, ठीक है, कार्बन ली और उसको ट्रीट किया H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। यहाँ पे तुम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक आर्क, आर्क माने चिंगारी। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये क्या बन गई हमारे पास, एल्काइंस। तो ये हमने डिस्कस किए सारे के सारे मेथड कि आप लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में एल्काइंस को कैसे तैयार करते हो। अब इसके बाद कंटिन्यू होगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ हेडिंग लगाइए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। अब हम पहले देखेंगे कि केमिकल एल्काइंस जो है वो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करती है। तो सबसे पहले जो ये शो करेगी, हम कंटिन्यू करेंगे एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले जो रिएक्शन होगी वो होगी हमारी एडिशन रिएक्शन। हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएजेंट लेंगे और एडिशन कराएंगे एल्काइन के ट्रिपल बॉन्ड पे। उसके बाद दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरी है हमारे पास रिडक्शन। दूसरी करेंगे हम क्या, यहाँ पे रिडक्शन। अब रिडक्शन भी दो टाइप का करेंगे हम, एक तो करेंगे हम कंप्लीट रिडक्शन और जो दूसरा करेंगे, ध्यान से सुनना, जो दूसरा करेंगे वो करेंगे हम पार्शल रिडक्शन। और ये खुद से कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी हम एल्कीन में कर चुके हैं। अब जो कंप्लीट रिडक्शन होती है वो चलेगी इन द प्रेजेंस ऑफ H2 ओवर निकल, ओवर प्लैटिनम, ओवर प्लैटिनम। और जो हमारी पार्शल रिडक्शन है, फर्दर टू टाइप, एक तो चलेगी इसमें लिंडलार कैटलिस्ट, एक तो हम डालेंगे इसमें लिंडलार कैटलिस्ट, और दूसरी चलेगी हमारी बर्च रिडक्शन, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं बर्च रिडक्शन। उसके बाद तीसरा जो थर्ड टाइप आएगी हमारी, थर्ड टाइप में हमने इसमें क्या करना, हमने करनी है ऑक्सीडेशन, जो हर एक एल्कीन में भी किया हमने, एल्केन में भी किया ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन जरा देखिए, ऑक्सीडेशन पहली या तो करो इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो बिल्कुल सिंपल होती है, क्या निकलेगा वहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। दूसरी जो ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या बोल सकते हो बेयर्स रीजेंट डाल के हम क्या करते हैं, रिडक्शन। और जो थर्ड कैटेगरी है रिडक्शन में, सॉरी ऑक्सीडेशन में, जो थर्ड कैटेगरी करेंगे वो करेंगे हम ओजोनोलिसिस। यहाँ पे भी ओजोनोलिसिस देखने को मिलेगा, ओजोनोलिसिस। उसके बाद फोर्थ टाइप है हमारी पॉलीमराइजेशन, ये फोर्थ टाइप करेंगे, दिस वन इज़ द लास्ट टाइप। और ये पूरा का पूरा चैप्टर 12th क्लास में आएगा हमारे पास, एक अलग से चैप्टर आएगा पॉलीमर, ये पूरी की पूरी रिएक्शन हम वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे सेकंड टाइम इन +2, ठीक है। तो ये होल ऑफ द समरी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। अब वन बाय वन करके हम एक एक प्रॉपर्टीज लगाएंगे और एक एक केमिकल इक्वेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि रिएक्शन कैसे होगी। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले चलती है हमारी एडिशन रिएक्शन, तो हेडिंग लगाइए एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले देखिए, अब एडिशन रिएक्शन की बात करनी है हमें, तो हमने ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है और वहाँ पे क्या लगाना है, कोई भी ग्रुप लगाना है। तो सबसे पहले देखिए एडिशन में दिया हुआ है एडिशन ऑफ हैलोजन। हमने हैलोजन फैमिली ऐड करनी है। तो देखिए एग्जांपल देखिए, हम क्या लेके चले, CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेके चले प्लस। अब इसमें ऐड कराओ हैलोजन ऐड कराओ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो देखिए, तो स्टेप बाय स्टेप करना, तो पहले ये एक बॉन्ड क्या होगा यहाँ पे, ब्रेक होगा, और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या ऐड होगी, हैलोजन फैमिली। तो लगा लीजिए जी, एक हैलोजन फैमिली यहाँ पे जाएगी और एक हैलोजन फैमिली यहाँ पे जाएगी। तो दिस वन इज द CH डबल बॉन्ड CH Cl एंड Cl। नाउ अगेन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या होगा, देखिए दूसरे स्टेप में हम दूसरा भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं, दिस वन, इसको तोड़ दीजिए, तो मेरे पास बनेगा CH Cl 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 एंड H। तो दिस वन इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, और IUPAC नेमिंग तुम कर सकते हो, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेस्टर्न,
इसका एक कॉमन नेम है, वेस्टर्न बोलते हैं इसको, ठीक है। और आईपीएससी नेमिंग की बात करूँ तो दिस वन इज़ द वन पोजिशन, दिस वन इज़ द टू पोजिशन। तो आईपीएससी नेमिंग चलेगी 1, 1, 2, 2, टेट्रा क्लोरो मिथ इथेन, तो दिस वन इज़ द आईयूपैक नेम। तो दिस वन इज़ द फर्स्ट एडिशन रिएक्शन। उसके बाद जो सेकंड दिया हुआ है, सेकंड में आप एडिशन करा सकते हो हैलोजन एसिड की, तो एडिशन सेकंड पॉइंट डालना। फर्स्ट का सेकंड पॉइंट है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, तो देखिए तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास नंबर 2, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। हमने हैलोजन एसिड डालना है अब इसमें। हैलोजन एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HX, HX माने HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, HF भी हो सकता है, कोई भी हैलोजन एसिड डाल सकते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू द NCERT बुक, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ, अगर मैं इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर का मतलब कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, तो आयोडीन का साइज बड़ा होता है, तो ऑर्डर ये होता है HI, देन HBr एंड देन HCl। दिस वन इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है टूवर्ड एल्काइंस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एल्काइन लेके चलेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हम एल्काइन लेके चले। अब इसमें हमने क्या करना, इसमें हमने क्या डालना, हैलोजन एसिड, तो HCl डालिए, HCl। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो एक बॉन्ड टूटेगा, एक साइड H जाएगा और एक साइड क्या जाएगा, Cl, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद नाउ अगेन, अगर तुम दोबारा से HCl डालते हो, नाउ अगेन ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3CHCl2, तो दिस वन इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा। अब बात किस में है, बात है अनसिमिट्रिकल में। अगर हम ये लेके चले CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और हम यहाँ पे एडिशन कराए HCl की, तो दिस वन इज़ द अनसिमिट्रिकल एल्काइन। अब यहाँ पे क्या चलेगा, तो देखिए यहाँ पे वंस अगेन यहाँ पे मार्कोनिफा एंटी मार्कोनिफा ही रूल लगेगा, तो देखिए Cl जाएगी दिस पोजीशन पे एंड H जाएगी दिस पोजीशन पे, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3CCl डबल बॉन्ड CH2, तो दिस वन इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। एंड अगेन अगर हम क्या करें, HCl ऐड कराएं, तो नाउ अगेन Cl कहाँ जाएगी, दिस पोजीशन, एंड H कहाँ जाएगी, दिस पोजीशन। नाउ CH3CCl CL एंड CH3, तो दिस वन इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये सिंपल सी है, हमने डबल ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है डबल में, डबल को तोड़ना है सिंगल में, ठीक है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन निकल के आती है तो नाउ अगेन तब मार्क एडिशन लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो दिस वन इज़ द सिंपल पैटर्न एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलते हैं नंबर 2, रिडक्शन। अब रिडक्शन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, रिडक्शन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो अब रिडक्शन के बारे में देखिए। दूसरा हेडिंग लगाइए रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्काइन्स। हमने एल्काइन्स का रिडक्शन कराना, तो सबसे पहले देखिए अगर हम चाहते हैं कि हम इसका कंप्लीट रिडक्शन कराएं, कंप्लीट रिडक्शन, तो भाई कंप्लीट रिडक्शन क्या होगा, हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डालने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एजेंट डालने पड़ेंगे। तो कंप्लीट रिडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं H2 ओवर निकल या फिर प्लैटिनम या फिर प्लैटिनम, ठीक है, ये वाले कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेके चले, हमने यहाँ पे H2 डाल दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम या फिर प्लैटिनम, तो ये क्या करेगा, ये इसको सिंगल बॉन्ड में तोड़ेगा, यानी कि पहले एक बॉन्ड टूटेगा। वैसे तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं रिएक्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर नाउ अगेन H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम एंड प्लैटिनम, अब ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, तो CH3 CH3। तो देखो हम यहाँ से यहाँ चले गए, इसको बोलते हैं कंप्लीट रिडक्शन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, कंप्लीट रिडक्शन यहाँ पे हमारा हो चुका है, कंप्लीट रिडक्शन, क्योंकि ये स्ट्रोंग है। अब दूसरी टाइप क्या दी हुई है जो पेपर में पूछी जाती है, इसको बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन, इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल रिडक्शन। अब जरा देखिए, अब पार्शियल रिडक्शन के लिए देखिए, पहले नंबर 1 पार्शियल रिडक्शन के लिए हम पहला कैटलिस्ट यूज़ करते हैं लिंडलार, लिंडलार कैटलिस्ट, ये एल्कीन में भी किया था हमने, लिंडलार कैटलिस्ट। और लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, पहला तो क्वेश्चन यही बनता है, प्लैटिनम BSO4, ये डालते हैं प्लैटिनम BASO4।
देखिए अगर मैं एल्कीन लेके चलूँ, एल्काइन लेके चलूँ, एल्काइन कोई सी भी लेके चल सकते हो, फॉर एग्जांपल CH3, सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH3 ये लेके चले और हमने क्या किया इसमें डाल दिया लिंडलार कैटलिस्ट, तो दिस वन इज़ द लिंडलार कैटलिस्ट प्लेटिनम BASO4। अब देखो पार्सल करनी, पार्सल का मतलब हमने सारे बॉन्ड नहीं तोड़ने, सिंगल तक नहीं लेके जाना, डबल में रखना, तो देखिए तो डबल में कन्वर्ट होगा सी डबल बॉन्ड सी। लेकिन अब एक की पॉइंट ध्यान में रखना, जब भी तुम क्या करते हो लिंडलार कैटलिस्ट यूज़ करते हो तो यहाँ पे जो एल्कीन बनेगी वो कौन सी बनेगी, सिस, जो पेपर में बार बार पूछा जाता है, और एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे। सिस का मतलब क्या होता है कि जब सेम ग्रुप क्या होते हैं, सेम साइड होते हैं, जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म। जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस फॉर्म। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट, ये देखिए ये हमने सीखा लिंडलार कैटलिस्ट पार्शल रिडक्शन। अब उसके बाद देखिए पार्शल रिडक्शन में दूसरी टाइप है हमारे पास बर्च रिडक्शन, तो दिस वन इज द फर्स्ट। उसके बाद सेकंड, सेकंड हेडिंग डालिए बर्च रिडक्शन। अब ये बर्च रिडक्शन क्या होती है, ये भी हम एल्कीन में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो देखिए बर्च रिडक्शन में क्या होगा, हम यही पैटर्न लेके चलेंगे, हम ये लेके चले CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH3। अब देखिए पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्च रिडक्शन का जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया, ठीक है। जहाँ पर भी एरो के ऊपर ये दिखाई दे गया है तो समझ लेना कि उसने बर्च रिडक्शन पूछी है। तो देखिए बर्च रिडक्शन में भी क्या, एक बॉन्ड टूटेगा तो मेरे पास एल्कीन बनेगी, दिस वन। लेकिन बर्च रिडक्शन कराओगे तो यहाँ पे जो एल्कीन बनेगी कौन सी बनेगी, ट्रांस, इसकी जस्ट अपोजिट H CH3 एंड CH3। तो ये जो फॉर्म बनी हमारे पास, ये फॉर्म कौन सी बनी हमारे पास, ट्रांस, जब सेम ग्रुप कहाँ चले गए, अपोजिट साइड। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट, तो यहाँ पे हमने दो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली एल्काइन्स की, एक तो कर ली हमने एडिशन रिएक्शन और एक कर ली हमने क्या, रिडक्शन रिएक्शन। अगली वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लेंगे। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट।